नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रामपुर से बड़ी खबर है, आजम के करीबियों पर रेड जारी है। आपको बताएं, दूसरा दिन है आज और आज भी लगातार ये कार्रवाई चल रही है। दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। आजम के करीबियों और ठेकेदारों पर रेड लगातार जारी है। दस्तावेज खंगाल रहे हैं आईटी के अधिकारी। लखनऊ से पहुंचे हैं गोल्ड वैल्यूएशन एक्सपर्ट। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा काट रहे हैं। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बताएं, शुक्रवार को दिल्ली से 50 गाड़ियों में पहुंचे आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने आजम खान के करीबी ठेकेदारों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की थी, जो आज भी जारी है। जानकारी के मुताबिक सपा नेता और आजम के करीबी फरद खान और शाबिज खान के यहाँ इनकम टैक्स की रेड चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों ठेकेदारों को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जौहर यूनिवर्सिटी का ठेका दिया गया था और इसी मामले में पिछले दिनों आजम खान के घर और ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची थी और छापेमारी की गई थी। तो आज दूसरा दिन है, आज भी लगातार छापेमारी जारी है। आयकर विभाग ने लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। सैयद आमिर साथ जुड़ चुके हैं सीधे इस खबर पर। सैयद आमिर, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और आज भी छापेमारी जारी है। की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले जो है खुद आजम खान के घर पर और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी सहित कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड की थी और दस्तावेज खंगाले थे। पूरा मामला जौहर ट्रस्ट में लेन देन संबंधित मामला है, करोड़ों का ये मामला बताया जा रहा है। और अब ये ऑपरेशन डी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। करीब 10 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड चल रही है। रेड आज दूसरा दिन है और लगातार जो है रेड चल रही है। यहाँ पर आजम खान के करीबी बताए जा रहे हैं, फरद खान जो की बड़े ठेके भी हैं, उनके घर पर भी रेड हुई है और वहां पर गोल्ड वैल्यू एक्सपर्ट जो है लखनऊ से बुलाए गए। यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिकवरी भी वहां पर हो रही है और लगातार जहां जहां भी रेड जारी है ज्यादातर जगहों पर कंटिन्यू रेड है। जी शुक्रिया सैयद आमिर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।